सुलेमान मलिक साहब से कई मसला पे बात की, लेकिन खास तौर पर दो मुद्दे मैंने उनके साथ उठाए। एक 26/11 में पाकिस्तान मेरी लग से मेरी तरफ से ये कहा गया कि बहुत स्लो पेस पर चल रहा है और इसका अच्छा असर हिंदुस्तान में नहीं होगा। और दूसरी बात मैंने उनसे कही कि पाकिस्तान के हिंदूज का प्रोसिक्यूशन हो रहा है, वो यहाँ आ रहे हैं, बड़ी संख्या में आ रहे हैं और यहाँ आकर सिटीजनशिप चाहते हैं, वो रिफ्यूजी बन के आ रहे हैं। इन दोनों बातों पे उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया भी दी। पहले वाले पे उन्होंने कहा कि परसेप्शन रियलिटी से फ़र्क है और मैं चाहूँगा कि मैं चलान की कॉपी भी आपके यहाँ भेज दूँ, आप देखें कि हम लोगों ने चलान पेश कर दिए हैं, 24 में से 20 लोगों के हमारे यहाँ क्रॉस एग्जामिनेशन भी हो गया है, जो डिले है वो कोर्ट्स की तरफ से है, ऐसा उनका कहना था। दूसरी बात में उन्होंने अपने एम्बेसडर को कहा कि वो हमारे साथ कोऑर्डिनेट करें, पूरा कोऑपरेट करें और देखें कि ये लोग जो आ रहे हैं ये वाकई इस तरह के प्रोसिक्यूशन का इल्ज़ाम लगा रहे हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि ऐसी कोई भी बात अगर यहाँ है तो पूरा कोऑपरेशन करके उसका हल सुझाएंगे, ऐसा उन्होंने मुझे बोला। दावतनामा दिया है मुझे पाकिस्तान आने का, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो दो मसले बहुत ज़्यादा हम लोगों को व्यथित कर रहे थे, उन दोनों मसलों को उठाने का एक मौका मैंने रहमान मलिक साहब की इस मीटिंग में। मैम, डिड यू कमेंट ऑन हिज कमेंट ऑन द बाबरी मस्जिद इशू? ही वाज सेड ही नेवर कमेंटेड ऑन दैट, ही हिमसेल्फ सेड दैट आई डू नॉट नो फ्रॉम वेयर डिड द मीडिया से दैट एंड आई आस्क देम यू शो मी द बाइट, आई नेवर सेड दैट, आई डू नॉट नो फ्रॉम वेयर दिस कमेंट केम, दिस इज व्हाट ही सेड।